तो मैंने यहाँ पे ट्राइप्रोटिक की बात कर रहा था, और ट्राइप्रोटिक में जो है वो है DCHRK, यही कुछ पढ़ा था ना, याद करो DCHRK। और इसमें जो है डीसी का जो है मैंने अल्फा का मैंने पीके ये बता दिया, इसका PKR कितना होता है भाई इन सभी का, ये है 3.5 अप्रोक्सीमेट, इसका अप्रोक्सीमेट 4.5, इसका अप्रोक्सीमेट 8, इसका अप्रोक्सीमेट 10, और इसका अप्रोक्सीमेट 6, इसका 12.5 और ये 10.5, यही बता चुका हूं मैं। ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये कहानी जो है वो आपके साथ चलेगा। अब इसमें ग्लूटामिक एसिड या जब भी बात करें, तो क्योंकि ये ट्राई प्रोटीक है तो इसमें एक PK1 आएगा और एक PK2 आएगा और एक PKR आएगा। PK1 और PK2 सभी के लिए कॉमन होंगे अप्रोक्सीमेट 2.5 एंड अप्रोक्सीमेट 9.5, और PKR मैंने यहां पे लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं कि क्या कंडीशन बनेगा। अब अगर मैं डीसी की बात करूंगा, तो डीसी में जो ट्राई प्रोटीक है, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर मैं इस चर्चा की बात करूं, तो PK1 और PK2 सभी के लिए कॉमन है, PKR आपने शो कर दिया, तो PK1 यानी अल्फा कार्बोक्सिलिक के लिए 2.5 आपने शो किया था, PK2 को 9.5 शो किया था, और PKR आपने यहां पे बता दिया है। मुझे अब एक चीज बताओ कि जब मैं यहां पे बात करूंगा तो इन सभी में ट्राई प्रोटीक्स जरूर है, ट्राई प्रोटीक का मतलब तीन प्रोटॉन डोनेटिंग और तीन प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स, मतलब तीन हो सकते हैं। तो डीसी वाले में जो नेगेटिवली चार्ज कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप्स होंगे वो एक होंगे कि दो होंगे? नेगेटिवली चार्ज कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप्स मतलब जो नेगेटिवली चार्ज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप्स जो होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे? दो होंगे। जब मैं डीसी की बात करता हूं तब इन द केस ऑफ डीसी, डीसी में ये नेगेटिवली चार्ज कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप कितने होंगे? दो होंगे। क्यों दो होंगे? क्योंकि एक तो PK1 वाला है ही अल्फा कार्बोक्सिलिक, और बाकी के ये R ग्रुप्स हैं, सभी नेगेटिवली चार्ज है, तो दो नेगेटिवली चार्ज होंगे, और पॉजिटिवली चार्ज कितने होंगे? पॉजिटिवली चार्ज एक ही है ना भाई, अल्फा अमीनो, वो कितना है? अल्फा अमीन, ये देखो अल्फा CO- भी होगा और RCO- या S- या O- होगा, ठीक है। और यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ अल्फा NH3+ होगा, यही तो होगा ना भाई, ये सुनो। तो इसका जो मैं टाइट्रेशन रेंज शो करूंगा, जब मैंने बताया कि प्लस से लेके माइनस तक जाएगा विथ जीरो 1/1, तो इसके रेंज को आप ऐसे शो करोगे, दिस शुड बी +1 फर्स्ट, +1 से जीरो, जीरो से -1 एंड -1 से -2, ये इसका सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा? जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, यस और नो? अरे बोलो भाई, व्हाट अबाउट एचआरके में क्या बात करोगे? एचआरके में नेगेटिवली चार्ज ग्रुप कितने हैं? वन, और पॉजिटिव चार्ज कितने ग्रुप हैं? दो। नेगेटिव चार्ज में अल्फा COH होगा सिर्फ, और इसमें अल्फा NH3+ होगा, और साथ में RNH3+ होगा या NH2+ जो भी है, ठीक है। अब इसकी जब बात करेंगे तो इसका रेंज कैसे शो करोगे? ये रेंज हो जाएगा +2, और फिर उसके बाद में चिल्लाओगे कि जो है यही क्वेश्चन ग्रुप में फिरते पढ़ोगे, क्लास में सुनते कैसे हो, कितना सुनते हो, ये बहुत जरूरी है, फोकस शुड बी देयर। टाइट्रेशन में मैंने एक बार फिर बताया कि आपके पास जो है दो कैटेगरी में मैंने शो किया है, एक कैटेगरी होगा DC का और एक कैटेगरी होगा HRK का, ठीक है। डीसी की बात करते हैं तो बहुत कुछ नहीं है, डीसी की बात करें तो देखो DE, उसके बाद C और फिर Y, HRK, ये हो जाएगा। अब मैंने जो चर्चा किया था समझ में, चर्चा करिए, क्या चर्चा? कि डी की जब बात करते तो इन तीनों का जो है बेसिक तौर पे रेंज क्या था? रेंज था दैट इज +1 0 -1 -2। व्हाट अबाउट दिस वन ई के लिए? ये भी +1 0 -1, ये भी क्या होगा? +1 0, ये भी +1 0 -1। इसके बाद ये अभी एचआरके के ऊपर चलेंगे, लेकिन ये तीनों की कहानी मैंने शुरू करी थी, तीनों के नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। डी ई
सी वाई। अब मुझे थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिएगा जना सर, अब इस चक्कर में जब हम बात करेंगे तो प्लस वन जीरो से, ये प्लस वन था जब बेसिक तौर पे दोनों यहाँ पे तीनों ग्रुप प्रोटोनेटेड होंगे, मैं दिखाऊंगा, लेकिन अब ये प्लस वन से जीरो हुआ होगा तो कोई ना कोई ग्रुप प्रोटॉन डोनेट किया होगा। ये किस जो है यहाँ पे क्या होगा, पीके वन कितना होगा वैल्यू, 2.5 होगा कि नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट बोलो भाई। अब जीरो से माइनस वन होने का मतलब एक और प्रोटॉन गया, और कौन से पीएच पे जाएगा, 3.5 पे, ये क्या है पीके आर। और माइनस वन से माइनस टू होने का मतलब एक और प्रोटॉन गया अल्फा अमीनो का, कहां जाएगा पीके पीके टू 9.5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये किसका जा रहा है, अल्फा सीओएच का प्रोटॉन गया, यहां पे क्या गया, ये बीटा सीओएच का प्रोटॉन गया और ये अल्फा अमीनो का प्रोटॉन गया, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भाई, ठीक है। अब मुझे इनका बताओ, ये तो वैल्यू लगभग सभी के लिए सेम होगी, यहां पे पीके वन मैं लिख दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें ये जीरो से वन क्या जाएगा, ये 4.5 होगा पीके आर, और फिर यहां पे क्या होगा पीके टू 9.5। इसके बाद यहां बात करो, पीके वन से पीके आर होगा 8 और फिर पीके टू 9.5। ये जरा सा ध्यान दोगे ना तो जो पीके के वैल्यूज हैं, अगर आप जो है डेसी की अगर बात करें तो ये इनके जो अल्फा अमीनो अल्फा कार्बोक्सिलिक और आर ग्रुप का पीके है वो सिक्वेंसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज हो रहा है। अरे देखो ना, देखो बढ़ते हुए क्रम में ही तो हो रहा है, बढ़ते पीएच बढ़ाई तो रहा है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, तो आपको सोचना थोड़ी। अब देखो ये 2.5 होगा, अब यहां पे पीके 2 आएगा कि पीके आर आएगा, पीके आर आएगा क्योंकि ये 9.5 आएगा और फिर ये 10, ये होगा पीके 2। ये कितने लोग को समझ में, सॉरी ये पीके 2 होगा और पीके आर, उल्टा कर दिया मैंने, पीके 2 पहले आएगा और पीके आर बाद में, ये समझ में आया या नहीं, क्योंकि 9 जैसे पीएच बढ़ा रहे होगे तो 9.5 पे पीके 2 पहले ही प्रोटॉन डोनेट कर देगा रेदर देन पीके आर, मतलब क्योंकि जो उसका फिनॉल का ओएच ग्रुप है वो 10 पे करेगा ना कि 9.5 पे, तो पहले यही करेगा, इसीलिए आपने सिक्वेंसली अरेंज किया है कि नहीं। अरे बोलो भाई, ठीक है। अब मैं एचआरके की बात करता हूं, अभी मैं एक चीज बताऊंगा वो आप गेम खेल जाओगे एकदम आसानी से, लेकिन पहले एचआरके की बात करो, और जब एचआरके की बात करोगे तो यहाँ पे क्या केस बनेगा, मैं जो है पैटर्न का क्या शो करोगे, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप 2 थे और नेगेटिवली 1 था, तो ये क्या होगा प्लस 2 फिर होगा कि नहीं होगा, प्लस 2 प्लस 1 जीरो माइनस वन, प्लस टू प्लस वन जीरो। अब इसमें मैं जो है पीके वन पीके टू बता ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सिक्वेंशियल में इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कर दे रहा हूं, सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर जो तीनों वैल्यूज होते हैं। देखो पहली वैल्यू तो 2.5 ही होगी, ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये सभी में सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जो बढ़ती हुई जाएगी ये किस पे जाएगी, देखो हिस्टिडीन के लिए यहां पे 6 आएगा और ये आएगा आपके पास 9.5, तो पीके आर आएगा और फिर यह जाएगा पीके 2। उसके बाद यहां पे 2.5 के बाद आर्जिनिन है तो क्या आएगा यहां पे, दैट इज पीके, फिर ये 12.5 आएगा पीके 2 प्लस पीके आर, और उसके बाद यहां देखो ये आपके पास 9.5 आएगा और ये 10.5 आएगा, ये हो जाएगा पीके 2 और ये हो जाएगा पी। अरे आया या नहीं बोलो, गेम खेल के सारा टाइट्रेशन पढ़ तो लिया, चार्जेस का पैटर्न कैसे चल रहा है। अब जब ये पैटर्न चल रहा है आपके पास, मैंने आपको पीआई का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पीआई जो है वो किन दो पीके वैल्यू का एवरेज लेना है, जरा बताओ मुझे तो पीआई किन दो वैल्यू का जो है एवरेज लेना होता है, पीआई पीके वन प्लस पीके टू का नहीं लेना होता है, मैंने वहां डेफिनेशन बताया था कि पीआई लेना है एवरेज ऑफ
2 pKa एक कह सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर द ज्यूपिटर आयन या नेट चार्ज जीरो, ठीक है, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द ज्यूपिटर आयन फॉर्मेशन, जहां पे ज्यूपिटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके जस्ट बिफोर और जस्ट आप जो है बाद वाला, या बोल सकते हैं नेट चार्ज जीरो, बोल सकते हैं नहीं, अरे बोलो भाई, बोल सकते हैं, तो मुझे बताओ कि इसमें जीरो आया कहां कहां है। देखो इसमें जीरो यहां आया है, 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 यानी अगर मैं थोड़ा सा और चर्चा विहीन की बात करूं तो जो मेरा इसमें एवरेज होगा वो इसका और इसका होगा, यानी इसका पीआई, देखो मैं इसका पीआई की बात कर सकता हूं, पीआई शुड बी, पीआई क्या होगा 2.5 प्लस 3.5 बाय 2 होगा कि नहीं होगा, इसमें क्या होगा पीआई 2.5 प्लस 4.5 बाय 2, इसमें क्या होगा 2.5 प्लस 8.0 बाय 2, इसमें बताओ 2.5 प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, यहां पे क्या बताओगे 6.0 प्लस और फिर इसका बताओ, नाइन पॉइंट फाइव प्लस 12.5 बाई 2, ये ठीक है, मुझे बस एक बात बता दो, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो जरा हिस्टिडीन का पीआई वैल्यू निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है, अरे 15.5 कितना आएगा, यही आ रहा है, ये सबसे करीब है किसके, फिजियोलॉजिकल पीएच के, इसीलिए तो इसका जो बफर रेंज आप क्या शो करते हैं, सबसे बेहतरीन शो करते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यही चीज है। और आपने सारे अमीनो एसिड का टाइट्रेशन देख लिया, बुक्स में सारे का टाइट्रेशन नहीं मिलेगा, और आपने बिना किसी डायग्राम के देख लिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अरे बोलो, तो जब अब मैं इसको स्ट्रक्चर से समझाऊं तो आपके लिए हलवा लगेगा, कुछ है नहीं, जरा ध्यान दो। अब क्या है कि देखो मैंने ग्लूटामेट को शो किया है, ग्लूटामेट में जब भी बात करते हैं तो यहां पे देखो ये है प्रोटोनेटेड होगा अल्फा कार्बोक्सिलिक, ये अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड है, और ये जो है आपके पास COH ग्रुप प्रोटोनेटेड है, जो नेट चार्ज आपने शो किया देखो +1, रेंज वही है +1, क्योंकि यहां पे सिर्फ ये वाला अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड था। इसके बाद आपने pKa1 की वैल्यू शो करी, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 2.19, वो वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.19 है, और जैसे 2.19 शो करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये अभी भी जीरो है और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो आपके पास यहां पे प्लस, यहां पे जीरो, यहां पे माइनस, तो नेट चार्ज आप कितना शो करोगे, दैट इज जीरो, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपने pKa यानी जो 4.25 यहां पे वैल्यू शो की गई है, ये अपना रिलीज किया, तो जैसे ही ये रिलीज करेगा तो आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज जो कि आपका अल्फा वाला, ठीक है, अल्फा वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आपका आर ग्रुप भी हो जाएगा, और ये प्लस, तो इसमें प्लस, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, तो दो नेगेटिव, एक प्लस, नेट चार्ज -1, देखो +1 0 -1, अब क्या आएगा -2, क्यों आएगा, क्योंकि ये रहेंगे प्लस माइनस माइनस और ये रहेगा जीरो, तो आ जाएगा -2। ये आपके पास pKa1 pKa और pKa2 की कहानी है, कहां पे जो है आप बेसिक तौर पे शो करेंगे वो क्या है, बेसिक तौर पे जो शो करेंगे पीआई वैल्यूज वो कौन कौन सी होगी, ये जीरो के अगल बगल होगी, और जीरो के अगल बगल होगी, तो यानी pKa1 और pKa का जो है क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। जरा कैलकुलेट करके बताओ तो पीआई वैल्यू कितनी होगी, पीआई वैल्यू शुड बी द pKa1 प्लस pKa 3.5
ठीक है, कुछ इसी के करीब आएगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि किसी भी अमीनो एसिड का, खासकर ट्राइप्रोटिक का, ड्राइप्रोटिक में पीआई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्राइप्रोटिक में जो है वो आपको चीजें देखने की जरूरत है। और यही तो 9 वैल्यूज बताई थी, और उसमें अगर ये आपको समझ में आ जाए तो डेसी में आपका ये पैटर्न चलेगा प्लस 1 से। इसका जो रेंज आपने शो किया था वो किसका शो किया था, ये प्लस 1 से शो करेगा, प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 वाली कहानी है। जबकि एचआरके में शुरू होगा प्लस 2 से, फिर प्लस 1, फिर 0 और फिर माइनस 1। और सभी के जो आपको पीके वैल्यूज, पीके आर वैल्यूज पता है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो जो चेंज हो रहा है चार्ज बीच में रख दो, जीरो के अगल बगल जो दो वैल्यूज आएंगे उसी का एवरेज ले लो, वही उसकी पीआई वैल्यू हो जाएगी। ये रटने की जरूरत नहीं कि किसकी पीआई कितना है, यू जस्ट नीड टू नो द पीके आर वैल्यूज फॉर दिस ऑल 7 अमीनो एसिड्स एंड द पीके 1 एंड पीके 2। और ये पैटर्न अगर दिमाग में क्लियर होगा तो किसी भी अमीनो एसिड का रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने टेबल आपको 9 वैल्यूज बताए थे उसी से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई कुछ बातें या नहीं आई है भाई? ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है वो कठिनाई भरी चीजों को मैंने चर्चा किया था। ये आपके पास जो है वो ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड में एस्पार्टेट का था, इस रीजन में जो कौन पॉजिटिव होगा, देखो ये प्लस 1 से शुरू होगा, फिर ये 0 से जाएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस रीजन में से यहां तक जाएगा आपके पीके 2, और ऐसे केसेस जो है बनते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही पूरी चीजें इसमें देखोगे प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 वाला केस बन रहा है, और इस जीरो के अगल बगल पीके 1 और पीके आर का एवरेज ले लोगे और वही वैल्यू हो जाएगी उसकी पीआई। जब आप ग्लूटामेट की बात करते हो तो यहां तक जो है पीके 1 होगा, पीके 1 के बाद जो है फिर ये आपके पास 4.5 तक आएगा पीके आर होगा, और फिर जैसे ही जो है एक सेकेंड आप यहाँ पे बात करेंगे, ये जाएगा आपके पास पीके आर, और पीके आर से फिर पीके 2, और फिर यहां से जो है माइनस 2 वाला, देखो प्लस 1 0 माइनस 1 रेंज और ये माइनस 2, ये सब आपके ग्रुप्स को यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। इसी तरीके से आप सिस्टीन में देखोगे तो पहले आर एस एच ग्रुप होगा, यहाँ पे जो है प्लस 1 होगा, फिर उसके बाद जो है केस आप शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द केस, और इसके बाद फिर जो है आपके पास ये केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस 1 है, प्लस 0 और माइनस 1, इस तरीके का केस जो है आप शो कर रहे हैं। इसके बाद जो है एक रेंज में मैंने उसमें हिस्टिडीन को शो किया, देखो 2.5 तक, फिर आपके पास पीके आर 6 तक, फिर उसके बाद जो है पीके 2, और ये रेंज है प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1, और ये आपके लाइसिन के साथ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 प्लस 1, इसका प्लस 1 का रेंज देखो 0 का कितना छोटा देखो, और ये माइनस 1, ये जो 0 वाले रेंज आप देख रहे हैं एक्चुअली में यही तो बफरिंग जो है इतने रेंज तक की वो ज्यूटर आयन है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो 7 के इर्द गिर्द जो है वही आपका हिस्टिडीन वाला दिख रहा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इसीलिए नजर आता है रेंज जो देखोगे। आर्जिनिन की बात करें तो देखो ये जिस बफर रेंज में शो करेगा वो ये वाला रीजन है, तो आपका हर कोई जो है जहां पे बफरिंग रीजन, जहां पे ज्यूटेरायन देखो यहां भी बन रहा होता है, लेकिन जो नेट चार्ज 0 है वो यहां पे आता है। ठीक है, और इस चीज को मैं अभी ग्लूटामेट वाले पे शो करता हूं, और ये अगर मैं देखो स्पार्टेट की बात करूं तो प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, ये आपके पास सिस्टीन का है, ये टायरोसिन हिस्टिडीन का, सभी का केस आपने शो किया के देखा है। और यहाँ पे जब रेंज देखोगे तो इस रेंज में ये देखो एस्पार्टेट जो है वो 0 चार्ज शो कर रहा है 2.5 से लगभग 3.5 के बीच में, ये 2.5 से 4.5 के बीच में, ये 2.5 से लगभग जो है वो आपके 16.8 तक शो कर रहा है। टायरोसिन जो है वहां से लेके लगभग 9-10 तक शो करेगा। हिस्टिडीन जो है ये देखिए फिजियोलॉजिकल, सभी का बफरिंग रीजन देख रहे हो कितना कंडीशन है, और जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे सबसे अच्छा है वो आपका यही है हिस्टिडीन, क्योंकि उसका रेंज इसी रेंज में, वो बहुत एसिडिक भी नहीं जा रहा है और बहुत बेसिक भी नहीं जा रहा है, और बहुत बेसिक चले जाएंगे तो लाइसिन और आर्जिनिन का जो है ये आपका जीरो वाला रीजन आ जाएगा, और यही जो जीरो वाला रीजन है दिस इज योर बफरिंग रीजन, इसमें आप पीआई कैलकुलेट करके उसका प्लस माइनस 1 करेंगे तो इसी रीजन में फॉल ऑफ करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा जहां पे ज्यूटेरायन का रीजन आ रहा है। समझ में आया कुछ कुछ या नहीं?